कई बार गेट एस्पिरेंट मन ही मन सोचते हैं, सर ये ड्रॉपर और रिपीटर कब का सर इन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया है, ये तो प्रैक्टिस भी कब का कर रहे हैं सर, इतने सारे क्वेश्चन बना लिए इन्होंने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिया, ऊपर से सर इनको एक्सपीरियंस भी है कि गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर का कितना सिग्निफिकेंस है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने आप को एनालिसिस कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है। सर ये तो हमसे कईयों मील आगे है। अब तो जितने भी फ्रेशर है वो सोचते हैं सर अभी अभी तो हमने स्टार्ट किया है, सिलेबस भी हमारा नवंबर में खत्म होगा, प्रैक्टिस भी बचा हुआ है, सर हम कैसे इनको बीट कर पाएंगे। और सर आजकल तो ऐसा ट्रेंड है टीचर ही जाते हैं गेट एग्जाम लिखने और फिर रैंक लेकर आते और कहते हैं हमसे पढ़ो। तो सर अब हम कैसे फिर क्रैक करेंगे गेट एग्जाम, हम कैसे आईआईटी और सर पीएससी नौकरी हासिल करेंगे। काश ऐसे है ना सोच भरतेंदु रखता, काश ऐसा सोच मानसी रखती है ना, अक्षित रखता, अगर वो वैसा सोच रखते ना तो यार उनका भी रैंक नहीं आता, बट उन्होंने ऐसा सोच नहीं रखा। भरतेंदु डबल डिजिट लाया, मानसी आईआईटी गुवाहाटी चली गई, अक्षित ट्रिपल डिजिट रैंक लेकर आया, क्योंकि उनको मालूम है कि गेट एग्जाम में अगर हम अपने आप को हरा दें डेली बेसिस पर तो हमारा रैंक बहुत बढ़िया आ सकता है। हमको कंपेयर नहीं करना है कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है, किसने कितना सिलेबस खत्म किया है, किसने कितना नहीं किया है, किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कितने नहीं किए हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको ये फर्क पड़ना चाहिए क्या मैंने अपना स्ट्रेटेजी सही तरीके से फॉलो किया, क्या मेरे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं डे बाय डे बेसिस पर, क्या मैं सही टाइम पर सिलेबस खत्म कर पा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहा हूं, और क्या मैं टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपका रैंक भी आएगा और जो चाहिए वो हासिल भी करोगे। पर अगर यही सोचते रहोगे यार वो एग्जाम लिख रहा है, ये टीचर भी एग्जाम लिख रहे हैं, ये ड्रॉपर भी एग्जाम लिख रहे हैं, तो फिर प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर है ना इलॉन मस्क सोचते हैं यार किसी ने भी रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं बनाए, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाए, तो मैं कैसे बना लूं, अगर नीरज चोपड़ा ये सोचते यार अब तक इंडिया में कोई जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं लेकर आ पाया, मैं कैसे लेकर आ पाऊं, तो कभी लेकर ही नहीं आ पाते, वो कभी कर ही नहीं पाते। तो आप ये मत सोचना कि अगर अब तक कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूंगा, बट ये जरूर सोचना अगर अब तक कोई नहीं किया है तो मैं ही करके बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।